हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, papa.com ने एक न्यूली प्रोडक्ट लॉन्च किया है, NYBay का मेकअप फिक्सर। और इसका जो प्राइस है वो है 199 रुपीज़। 30 ml का ये आपको मिल रहा है, 2 ईयर तक चलेगा आपका ये। इंग्रेडिएंट इसमें काफ़ी सारे डाले गए हैं और इसमें पैराबिन सोडियम भी है। और साथ ही साथ अच्छी बात है कि इसमें ग्रिसलिन भी डाला गया है और डिजिटल वाटर भी डाला गया है। ठीक है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्केटिंग बाय और कस्टमर केयर नंबर। और इसकी पैकेजिंग की बात करें तो वाइट कलर के बॉक्स में ये आया है, ऊपर NYBay लिखा हुआ है, आप देख सकते हो अच्छे से। और ये बताया गया है कि आपके मेकअप को ये लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा और क्विकली ये अब्जॉर्ब हो जाता है और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, नॉन स्टिकी फॉर्मूला है। और हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा ये आपको अच्छे से, और आपको टचअप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। और साथ ही साथ में ये बिल्कुल ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है। ठीक है, और इसे खोलते हैं, हम देखते हैं इसके बीच में जो है बॉटल है, एक वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट बॉटल में है, ये प्लास्टिक की बॉटल है, ग्लास की नहीं है। और ये स्प्रे बॉटल है, इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट। और उसे खोलेंगे तो ये अच्छे से स्प्रे हो पाएगा, और इसे आप अंदर से भी खोल सकते हो अगर इसे आप पूरा खोलना चाहते हो तो। बाद में भी हाँ, आप इसे यूज़ कर सकते हो गर्म पानी में थोड़ा सा इसे साफ़ करके। ये तो सब उनसे पूछेंगे कि बाद में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, तो कर सकते हो। तो आपको ऐसे आफ्टर मेकअप आप इसे यूज़ कर सकते हो, और 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है आपके फेस पे और इसके स्प्रे बॉटल पे, और उसके बाद ही इसे स्प्रे करना है अच्छे से। और उसको हाथों से मलने नहीं लगना है, बिल्कुल ऐसे ही रहने देना है जैसे स्प्रे किया है, दूर से ही, पास आकर स्प्रे नहीं करना, दूर से ही करना है। उसके बाद उसे सूखने दे अच्छे से, और आपको दोबारा मेकअप करने की, टचअप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने मॉर्निंग तक मेकअप किया है तो हाँ, इवनिंग तक तो चलेगा ही, ऐसा इस पर है बताया गया है। तो देखते हैं कितना टाइम ये स्टे करता, अभी तक यूज़ नहीं किया, ऐसे ही रिव्यू कर रही हूँ इसका, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेकअप बिल्कुल कम ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो पता नहीं कैसे यूज़ हो पाएगा मुझसे कि नहीं हो पाएगा, कि ऐसे ही रहेगा, बाकी हम देखते हैं कैसा है। वैसे तो बहुत ही अच्छा है, NYBay के लिपस्टिक्स, लिप क्रेयन सभी प्रोडक्ट जो हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, मैक के होते हैं बहुत ही अच्छे। और ये न्यूली लॉन्च किया है, और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर शेयर करूँगी अगर किसी दिन मेकअप किया हो तो, ये कितना लॉन्ग लास्टिंग चलता है कि नहीं चलता है। वैसे तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें पैराबिन और सोडियम डाला गया है। जो पैराबिन फ्री प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो इसे ना यूज़ करें। हाँ, अगर ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी बड़ी इशू नहीं है। इसमें ग्रिसलिन तो है ही है, और बिल्कुल अच्छे इन्ग्रीडियंट डाले गए हैं, और कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। बिल्कुल बजट फ्रेंडली ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि NYBay के हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं फील कराएगा आपको, बिल्कुल नॉन स्टिकी फार्मूला है, बहुत ही अच्छी स्प्रे बॉटल है और ये है जो। और फ्रेग्रेंस की इसकी बात करें तो काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है, अच्छी तो मुझे तो अच्छी लगी नहीं, कैसे बोलूँ अब अच्छी है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और परफ्यूम जैसे हम डालते हैं ना स्ट्रॉन्ग वाला, वैसी है इसकी फ्रेग्रेंस है। जिनकी सेंसिटिव स्किन हो प्लीज़ इसे अवॉइड ही करें, एक्ने प्रोन स्किन वाले भी। हाँ, ऑयली स्किन वाले अगर इसे यूज़ करना चाहते तो कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन बताया नहीं गया है कौन सी स्किन वाले यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसे। ऑयली और ड्राई स्किन वाले इसे यूज़ कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन प्लीज़ जिनकी स्किन सेंसिटिव है, मैच्योर्ड है, या फिर ज़्यादा ही एक्ने प्रोन जिनके हुए हैं, एक्ने हैं, तो प्लीज़ वो अवॉइड ही करें, वो मत यूज़ कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो ज़रूर हो जाएगा। और सोडियम भी डाला गया है, पैराबिन भी डाला गया है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी फ्रेग्रेंस है, स्मेल है, बाकी आप देख सकते हो ट्राई करने के बाद। और मेरा मानना ये है कि पैसे वेस्ट ना हो आपके, तो आप इसे अवॉइड ही करें तो अच्छी बात है, मत लीजिए इसे। हाँ, जिनका मन है, जिनके लिए 200 रुपीज़ कुछ भी नहीं है, वो इसे ट्राई कर सकते हैं, और इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन बुरा मुझे ये लगा कि इसकी फ्रेग्रेंस जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी ज़्यादा
किसी ने परफ्यूम भी लगाया होता तो दूसरे को फिर भी प्रॉब्लम होने लगती है, यार मेरा दम घुट रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, सांस आने से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो इसे अवॉइड ही करें प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। और प्लीज़ जो भी नए हैं वीडियोज़ देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी।